हेलो गाइज, आई एम मोहित एंड यू आर वॉचिंग मोहित ट्रैवल्स। दोस्तों, जब हमने ये चैनल शुरू किया था तो इस चैनल का नाम हमने रखा था मोहित ट्रैवल्स। वो इसलिए रखा था क्योंकि हम नई नई जगह घूमने जाते थे, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे, अच्छी अच्छी पहाड़ियों पे घूमते थे, ट्रैक्स करते थे। बट फिलहाल जब से कोविड ने पूरे वर्ल्ड में ड्रामा मचाया, तब से सभी लोग अपने घरों में कैद हैं। आई रियली वॉन्टेड टू एंड माई ईयर बींग समवेयर वेयर आई फील मोस्ट अलाइव। Tonight at 12 o'clock, I'll be leaving for a beautiful place covered with snow. The entire journey will be approximately 16 to 17 hours. I'm actually very happy कि मैं अब travel कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए कुछ travel content बनाऊँगा। तो yeah, let's see how this entire journey goes. So अभी मैंने trip अपना कर दिया है पूरा zero और देखते हैं पूरा हमारा trip कितने kilometers का होता है। फिलहाल थोड़ी बहुत fog है रास्ते में। तो जी, सीन ऐसा है, फॉग बहुत ज़्यादा था रास्ते में। अभी हम पहुँचे हैं अम्बाला से थोड़ा पहले और जाम लगा हुआ है टोल पे पूरा। बाकी अभी बज रहा है 3:30 सुबह का। हम निकले थे 12 बजे अपने घर से, विच इज़ इन नोएडा। और ठीक है, जर्नी इज़ फाइन टिल नाउ, बाकी देखते हैं। फाइनली स्टॉप हियर। आई थिंक पंजाब से काफ़ी आगे आ गए हैं। इस सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहा हूँ रात को 12 बजे से। काफ़ी ज़्यादा ठंड है इधर। मैंने अपनी 2 लेयर्स के ऊपर एक मोटी जैकेट और पहन लिया है। फिलहाल मैं पिछले 24 घंटे सोया नहीं हूँ, तो अब मैं थोड़ी देर सोऊंगा बिकॉज मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। एक घोड़ा आके हॉर्न बजाने लग गया था पीछे से, बट कोई बात नहीं, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं रास्ते में। मैं थोड़ी देर सोऊंगा बिकॉज मेरे को आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, मेरी पीठ में भी बहुत दर्द हो रहा है। काफ़ी लंबा रास्ता है, थोड़ी देर सोएंगे, तब तक विश्वमा गाड़ी चलाएगी, फिर हम आपको सो उठ के नज़ारे दिखाते हैं। Hello everybody. So right now it's 2:15 और अभी हम पहुँचे हैं बुंतर के पास। हमने फ्यूल अप के लिए रुके थे यार। रास्ता तो बड़ा ख़तरनाक है, एंड सिंस यू गाइज ऑलरेडी नो दैट आई एम गोइंग टू मनाली, तो मैं आपको बता देता हूँ, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू मनाली एनी टाइम सून, तो आप लोग अपना आराम से 15 घंटे 16 घंटे का टाइम रोड कार्ड लगा के आइएगा, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम है। मंडी के बाद तो पूरा रास्ता टूटा हुआ है और अभी भी हमारा स्ट्रगल चल रहा है कि कब हम बर्फ़ के पहाड़ देखें। बट ठीक है, आई थिंक वो जो नज़ारे आगे आने वाले हैं वो वर्थ हैं इस टफ़ और यू नो थका देने वाली जर्नी के। वी शैल वेक अप इन द ब्यूटीफुल माउंटेन्स। चीयर्स गाइस। What is up guys, this is day 2 from Manali, and yesterday was a very tiring and a hectic day, but ended with a lot of party here in the resort. You pick yourself up or you let yourself down, life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it alone or do you need someone else? I don't need anyone, I'll do it all by myself.
मैं मनाली में रुका हुआ हूँ ऑन द नेहरू कुंड रोड एंड दिस रिजॉर्ट इज कॉल्ड एज बुरवा वैली रिजॉर्ट. सो इफ़ यू गाइज आर कमिंग हेयर इट ऑफर्स अमेजिंग व्यू एंड यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं आई एम श्योर कहीं और से इतने खूबसूरत नज़ारे आपको नहीं दिख पाएंगे. तो पहले आपको अपना रूम टूर दे देता हूँ उसके बाद आगे का प्लान बनाता हूँ. सो रोलिंग द रूम टूर इन 3, 2, 1 गो. भाई ये कितना ठंडा पानी है यार. देखो ऐसी लोकेशंस पे आपको रहना है ना तो कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज करने होते हैं. और पहला हमारा कॉम्प्रोमाइज है कि यहाँ पे सोलर से गर्म पानी नहीं आ रहा. कितना हाथ मेरा, ये देखो कैसा हो गया हाथ. फक मैं मुंह भी धो लेता हूँ लेकिन लग जाएगी ब्रो. इट्स वे टू कोल्ड बट ठीक है आई डोंट माइंड. भाई कितना ठंडा है यार, फट गई भाई यहाँ तो काफ़ी ठंडा है. सो बर्फ के ठंडे पानी से मुंह और हाथ धोने के बाद मी एंड विश्वमा डिसाइडेड टू हैव अ लिटिल चिट चैट अबाउट आगे का सीन क्या है ब्रो. यू नो व्हाई, बिकॉज कल वो लोग सही बोल रहे थे इफ अगर गलती से बर्फ ज़्यादा गिर गई ना तो हम हाँ तो जा ही नहीं पाएंगे. सो इट्स बेटर वी गो इंस्टेड ऑफ नॉट गोइंग देयर. या ओके लेट्स डू सिसु टुमारो एंड विल बुक अ कार, विल बुक अ 4x4. हेलो, सो प्लान ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं बाहर ओल्ड मनाली की तरफ. नॉट एग्जैक्टली ओल्ड मनाली, बस अपनी गाड़ी लेके ऐसे ही राउंड मारने जा रहे हैं. थोड़ा आसपास घूमेंगे, ड्राइव पे जाएंगे और देखेंगे अगर हमें कोई लोकेशन मिलता है तो वहाँ बैठ के चिल करेंगे. और ऐसा प्लान है कि शाम को हम लोग जाएंगे ओल्ड मनाली के कैफे में चिल करने. सो या चेस. सो गाइस सीन ऐसा हो गया है कि बहुत बड़ा पोपट हुआ है हमारे साथ. हम अपने रिजॉर्ट से बाहर तो आ गए बट चारों तरफ यहाँ जाम ही जाम है और मैं मतलब क्या समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ. इतना टूरिस्ट आया हुआ है यहाँ पे, इतना टूरिस्ट आया हुआ है. तो मैंने अपनी गाड़ी एक जगह पे अब पार्क कर ली है. मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ. यहाँ पे एक पीछे वैन पे कैफ़े है, उसी को कुछ खाने को बोल दूंगा और यहीं बैठा रहूँगा. और यहाँ से मेरा सामने का अगर आप व्यू देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके का है. एक बार जब ये ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद मैं वापस होटल जाऊंगा गाड़ी छोड़ने और फिर वहां से कैब लेके चलेंगे ओल्ड मनाली, अपना देसी एम्स्टरडैम. It was then we decided to call it a night and the guy who dropped us to the hotel
Ajay became a very special character of this entire Manali series, which you guys will note towards the end.